नमस्कार, मैं हूं सरफराज खान। एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस वक्त बिजनौर के कालागढ़ इलाके से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि यूपी उत्तराखंड की सीमा से सटे कालागढ़ में इन दिनों टाइगर दिखाई दे रहा है। ऐसा ही एक ताज़ा तरीन मामला उस वक्त सामने आया जब सड़क पर कुछ राहगीर बाइकों पर गुजर रहे थे और इसी बीच टाइगर जंगल से होता हुआ सड़क पार कर रहा था। जैसे ही राहगीरों ने टाइगर को देखा तो उनके भी होश फाख्ता हो गए और आनन फानन में वो वहाँ से राहगीर दौड़ पड़े। दौड़ने के कुछ देर बाद बाकायदा वन विभाग के अफसरों को राहगीरों ने सूचना दे दी है और वन विभाग के अफसर मौके पर दौड़े और उन्होंने बाकायदा पूरे मामले को चेक कराया और बाकायदा जो टाइगर था वो वहाँ से सड़क के पास से गुजरता हुआ जंगल में जा घुसा है। वहीं इलाके के लोग पिछले काफ़ी दिनों से यानी कॉलोनी वासी कालागढ़ वाले काफ़ी परेशान हैं क्योंकि आए दिन टाइगर देखा जा रहा है और शहरी इलाकों में और साथ ही जो इलाके हैं जो मंदिर के आसपास कालागढ़ के वहाँ भी टाइगर दिखाई दे रहा है। इसको लेकर के जो कॉलोनी वासी हैं वो खासे खौफजदा हैं, दहशतजदा हैं। उसी खबर बिजनौर कोतवाली शहर से जुड़ी हुई है। खबर यह है कि नामी गिरामी कॉलोनी कहे जाने वाली साकेत कॉलोनी में एक बहू ने सास को जमकर पिटाई कर डाली और उसे अधमरा कर दिया और उसे बाकायदा धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। ये सारी जो बहू थी उसकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि जो बहू थी उसको यह नहीं मालूम था कि घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है। वहीं चालाक बहू ने होशियारी दिखाते हुए घर से बाहर निकलकर लोगों से कहा कि ये हमारी सास नाटक कर रही है। बाकायदा जब पुलिस के अफसरानों ने वीडियो वायरल हुई तो पुलिस के अफसरान ने पूरे इस मामले की गहनते से जांच पड़ताल की और सास ही बुज़ुर्ग सास ने बाकायदा बिजनौर कोतवाली शहर में अपनी बहू के खिलाफ तहरीर दे दी है। तहरीर के मुताबिक पुलिस के अफसरानों ने बहू के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। अब बहू फरार है जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। खबर बिजनौर के शेरकोट इलाके से आ रही खबर है कि एक युवक बाइक पर सवार होकर अपने घर से किसी काम के लिए निकला था लेकिन इसी बीच तेज़ रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक सवार की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुलिस के अफसरानों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। साथ ही अब पुलिस के अफसरान जो अज्ञात वाहन है उसकी सरगर्मी से तलाश भी कर रहे हैं और साथ ही मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल चला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।